ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रभावी मोहिनी मंत्र जिससे कि किसी को भी अपने वशीभूत किया जा सकता है। ये उन मंत्रों की श्रेणी में आता है जो कि पल भर में अपना असर दिखाते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई ये मंत्र आपको ना दे, लेकिन वर्षों का अनुसंधान और जो उसका रिजल्ट मिला है, जो चीज़ें वाकई में काम करती हैं, वो सब मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। और ये मंत्र मेरा वर्षों का अनुसंधान है, उसका निचोड़ है। एक ऐसी विद्या की खोज में मैं निकला था जो कि किसी को भी मोहित कर दे, आपके बिगड़े हुए काम बना दे। क्योंकि मैंने देखा है, जब बचपन से मैं इस अनुसंधान में लगा हुआ हूँ, मैंने लाखों ऐसे केसेस देखे जिसमें कि जो पुरुष वर्ग है वो स्त्री पर अत्याचार ही करता आया है। यहाँ पर कभी स्त्री को डाइवोर्स दे देना, कभी मारपीट कर निकाल देना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही करता है, मैंने स्त्रियों को भी देखा है। तो दोनों पक्ष में जो है पुरुष वर्ग जो है वो ज़्यादा हावी रहता है। ये सोसाइटी भी जो है ये पुरुष प्रधान है, इसलिए जो है औरत सहती रहती है। किंतु आदिकाल से ही हमारे ऋषियों ने इसका तोड़ जो है वो निकाल लिया था। किस तरह से अपने पति को अपने वश में किया जाए, किस तरह से उस पर नकेल डाली जाए, ये सब कुछ जो है हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक ऐसा ही ग्रंथ है जब माँ भगवती को भोलेनाथ तंत्र की विद्या दे रहे थे, और उसी तंत्र में से ये मंत्र निकला है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मंत्र है ये इतना प्रभावी है कि एक बार कर देने से सामने वाला जो कोई भी हो वो बस आप ही की माला जपेगा, तो ये गलत नहीं होगा। और ये मंत्र मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि जो भी स्त्री पुरुष, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने वश में करना चाहे, अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहे, अपने पति को अपने वश में करना चाहे, वो इसका पूर्णतः लाभ उठा पाए। किसी का अहित करने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए मेरे मंत्र नहीं है। ये सब कुछ जो है ये सात्विक कर्मों के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि यदि आप इसको कुकर्मों में लगाएंगे तो जो पाप के भोगी होंगे वो आप होंगे, मैं नहीं। कुआं जो है वो शीतल जल पीने के लिए बनाया जाता है, लेकिन कोई कुमति, कोई कुबुद्धि उसमें जो है कूद कर अपनी जान दे दे, तो इसमें कुएं बनाने वाले का तो कोई दोष नहीं। इसी तरह से मंत्र जो हैं अपने भीतर असीम शक्ति रखते हैं, किंतु कुछ कुबुद्धि, कुछ ऐसी ऐसी मति के लोग मुझे मिलते हैं जो कि उनका वर्णन करना भी मेरे मुख से परे है, मैं नहीं ऐसे लोगों की बात करता। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि देव स्वरूप हैं, तो अंधकार को ना देखते हुए प्रकाश की ओर मैं चलता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि आप एक अच्छे साधक बनेंगे और किसी भी स्त्री पुरुष को अपना उल्लू सीधे करने के लिए किसी को वश में नहीं करेंगे। किसी का हित करने के लिए, किसी को, किसी का परिवार जोड़ने के लिए मेरी इस विद्या का जो है आप लाभ उठाएंगे। तो जब कभी आप देखें कि आप ही अगर टूट रहा हो, या फिर कोई जो आस पड़ोस में है वहाँ पर कलह कलेश रहता हो, वहाँ पर जो है इस मंत्र का आँख मूंद कर प्रयोग कीजिएगा। मंत्र बड़ा ही सटीक है, कामदेव का मंत्र है, और जितनी श्रद्धा से आप करेंगे उतना ही अधिक इसका लाभ होगा। अभी रात के 1 बजा हुआ है और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और जैसे कि आपको पता है कि मैं भ्रमण करता रहता हूँ, तो अभी मैं राजस्थान में हूँ और यहाँ पर जो है स्टूडियो तो है नहीं, तो अभी मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यदि किसी तरह की डिस्टर्बेंस आए या कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा।
मंत्र जो है ये इतना कारगर है कि अब तक लाखों लोगों के काम बना चुका है। भगवान कामदेव का स्मरण करके इस मंत्र को गुम्फन करना प्रारंभ कीजिएगा तो भगवान कामदेव आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। चलिए मंत्र जान लेते हैं। मंत्र है क्लीम कामदेवाय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब देखिए जहाँ पर अमुक आता है वहाँ पर आपको अपने साध्य का नाम लेना होता है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, आपकी वाइफ हो, आपका बेटा हो। तो जब कामदेव आते हैं तो वो आपको उनके लिए मोहित कर देते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मोहित होगा, आप दोनों के बीच में जो है अच्छा संबंध बन जाएगा। अगर लड़ाई झगड़ा है तो वो दूर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कामुक संबंध बनेंगे, जो भी कोई अड़चन आ रही होगी आपके बीच में उन चीज़ों को ये दूर कर देगा। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि कामदेव हैं तो ये सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए, नहीं, ये आपके संबंधों को भी मधुर करता है। तो जैसी आपकी मति होगी ना वैसी आपकी गति होगी। मंत्रों में एक बात बहुत अच्छी है कि एक मंत्र जो है वो लाखों कामों में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कामदेव का मंत्र तो वो बस लस्ट के लिए है, डिज़ायर्स के लिए, नहीं, वो जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं कि मुझे इस तरह से इस मंत्र को लगाना है तो वो उसी प्रकार भली प्रकार काम करता है। और इस मंत्र में भी कुछ ऐसा ही है कि आप आंख मूंद कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जब आप प्रारंभ करना शुरू करें उससे पहले सात्विक हो जाइएगा। एक महीने तक आपको कुछ किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, किसी प्रकार का मीट, अंडा, मछली, ये जो जितने भी जैसे नॉनवेज हो गया, इन चीज़ों को छुइएगा नहीं, क्योंकि एक ऐसा मुंह जिसमें कि दुर्गंध आती हो वो मंत्रों की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने आप को सात्विक कीजिए, स्वच्छ रहिए, और एक महीने बाद जब आप तैयार हो जाएं उस समय पर आपको ये मंत्र जो है गुम्फन करना है। बहुत ही प्रभावी है, लेकिन आपके भीतर भी वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आप इसको चला पाएं। तो इस मंत्र का गुम्फन करना शुरू कीजिएगा। अब ये इसका विधि विधान क्या है, तो इसको जो है आप शुक्रवार या शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जहाँ पर तोते हो, जैसे कई पेड़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कि तोतों ने अपना निवास स्थान बनाया होता है, उस पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ले आए और उस मिट्टी को अपने आसन के स्वरूप, जैसे आप कोई भी लाल रंग का आसन बिछा सकते हैं, लेकिन उस आसन को बिछाने से पहले थोड़ी सी वो मिट्टी डाल दें और उसके ऊपर आप लाल रंग का आसन बिछाएं। फिर जो है एक दिया जलाएं और उस पर अपना लौ पर अपना हाथ रखकर अग्निदेव से प्रार्थना करें कि इस अनुष्ठान में आपकी सहायता करें और किसी भी तरह की विपत्ति को दूर रखें। अग्नि को साक्षी मानकर आपको इस मंत्र का गुम्फन करना शुरू कर देना है। इसका आपको 750 बार प्रतिदिन गुम्फन करना है 21 दिनों के लिए। 21 दिनों के लिए जब आप इसका गुम्फन करते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी ऊष्मा, एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो कि किसी को भी मोहित कर सकती है। खास करके जिसका आपने नाम लिया होगा वो आपसे वशीभूत हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि पहले ही दिन से इस मंत्र ने अजूबा करके दिखा दिया। एक मेरी क्लाइंट थी, वो इंडोनेशिया से थी, तो वो मंत्र कर रही थी और मंत्र करते करते क्या हुआ कि एकदम से उसके घर के सारे बर्तन गिर गए। तो आप इसे क्या कहें, एक संयोग या फिर कुछ और? तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनका कि सवाल हम ढूंढ नहीं पाते। और ये सब जो है ये अलौकिक है, इन चीज़ों को हम समझ नहीं सकते, लेकिन इतना हमें पता है कि इसका जो है असर होता है और ये हमारे लिए पॉजिटिव है।
इसलिए इस सकारात्मक सोच के साथ आप इसका प्रयोग कीजिएगा। और यदि कहीं पर किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर मुझे मेल कीजिएगा info@mohiniwidya.com। धन्यवाद।